लालकुआ विधानसभा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं एएसी विभाग के जिला अध्यक्ष इंद्रपाल आर्य ने भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि भाजपा शासित राज्य में जिस तरह से महिलाओं एवं दलितों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश जैसी घटनाओं में अब तक पीड़िता को न्याय न मिल पाना कि कहीं न कहीं समाज में महिलाओं व दलितों को शोषित करने का एक उदाहरण है। यहां अपने आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में इंद्रपाल आर्य ने कहा कि आज वह मोदी सरकार से मांग करती हैं कि सरकार महिलाओं एवं दलितों पर अत्याचार करना बंद करें तथा पीड़ितों को जल्द से जल्द न्याय दिलाया जाए। देखिए, इस भारतीय जनता पार्टी में महिला उत्पीड़न ये विधायक से लेकर के कार्यकर्ता से लेकर के काफ़ी उत्पीड़न में मामला सामने आ रहा, कोर्ट के संज्ञान भी जा चुका हुआ है और महिला से लेकर के दलित उत्पीड़न भी काफ़ी इस सरकार में लगातार देखने को मिलने आए दिन लगातार चल रहा है। और उत्तर प्रदेश हो और क्या कहते हैं उत्तराखंड हो, इन दोनों में तो हमने ज़्यादा ही बढ़ते हुए हालात हो रहे हैं। और इन सरकार के जो लोग हैं, जो इन कार्यकर्ता से लेकर के विधायक से लेकर के, इनकी एक मनमानी जी चल रही है, इन पर कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठा जा रहा है। लेकिन आने वाला समय जो है इनको पता चल जाएगा। ये 2022 जो चुनाव है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का, बिल्कुल सफाई इनका हो जाएगा। क्योंकि इस सरकार में एक बार ऐसा होता था कि अच्छे दिन कब आएंगे, लेकिन आज लग रहा है कि ये कब जाएंगे, इसकी उम्मीद पर लगे हैं लोग। बहुत ज़्यादा उत्पीड़न का मामला जगह जगह आ रहा है और जघन्य अपराध भी इन्हीं सरकार में हो रहा है। देखो, जनता के रुझान जो हैं धीरे धीरे, जो पहले सरकार रही है कांग्रेस की उसकी तरफ बढ़ रहा है। और इस सरकार में काफ़ी लोग परेशान हैं। जैसे कि कल मैंने एक ज्ञापन दिया महोदय सिटी मजिस्ट्रेट जी को, और वो हमने जिला अधिकारी डीएम साहब को देने के लिए और शासन को भी देने के लिए मुख्यमंत्री को भी दिया। लेकिन कहने का मतलब है, ये इसलिए दिया कि जो आज हमारे अनुसूचित जाति की जो बच्चे हैं, जो पठन पाठन में असुविधा हो रही है, जो उनका स्कॉलरशिप था वो रोक दिया गया है, और जो विधवा औरतें थीं जिनके बच्चे बड़े थे जो शादी करना चाहते, उनको 50,000 रुपए जो सरकार पिछली सरकार ने समाज कल्याण विभाग से मिलता था वो 2019 और 2020 में बिल्कुल रोक दिया गया है। सब आवेदन पत्र दिए गए हैं लेकिन उनके पास पैसा नहीं है। ये सरकार इस तरीके से, हमने एक और ज्ञापन दिया था, देखो 2022 में कांग्रेस सरकार आना तय है। जो भी इन मुद्दों को लेकर 2022 हमारा मिशन है, 2022 में हमारी सरकार आएगी, जो भी जनमानस जिस तरीके से हताश हुआ है उनका सबका भला करेगी, इन्हीं शब्दों के साथ।